हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं आपको। 2009 में पूछा गया है और 2011 में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है और सी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लैम्डा है, ठीक है, एक स्केलर लैम्डा है जिसकी वैल्यू हमने निकाल के बतानी है। और एक कंडीशन दी हुई है हमें कि भाई ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, गिवन दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और यहाँ से बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और आपका सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप, और के नहीं है तो वो क्या है, 0k कैप, ठीक है। क्लियर, के मिसिंग हो तो इसका मतलब 0 उसका स्केलर कंपोनेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है। ऑल्सो गिवन दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, क्लियर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। इक्वेशन फर्स्ट इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, क्लियर। परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर आते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। देखिए ये आपको बताया होगा, P वेक्टर परपेंडिकुलर Q वेक्टर है तो यहाँ से इसका मीनिंग क्या रहेगा, इम्प्लाइज P डॉट Q इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं पहले इसको कैलकुलेट करूँगा क्लियरली। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्लियर। तो देखिए क्लियरली ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई बच्चों, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू, इनको हम क्लब करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस लैम्डा आई कैप, ये कितना आएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए आप ये वैल्यू यहाँ लगाइएगा, क्या है, 1 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। डॉट सी वेक्टर की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने ये वैल्यू लगा दी है यहाँ पर और c की वैल्यू लगा दी, तो देखिए यहाँ क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा, ये 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा आई की, अब इस j के साथ करेंगे 0 हो जाएगी, हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई की k के साथ 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखिए ये जे आई कंपोनेंट की जे कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, जे की जे के साथ क्या आएगी, 1 आएगी, तो आपका ये एलिमेंट बच जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा। सिमिलरली इसी प्रकार ये सीधा डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये क्या 3 प्लस लैम्डा और ये किससे 0 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आया, 3 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा
प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो आ जाएगा। तो बच्चों देखना यहाँ से कितना आया, थ्री प्लस टू फाइव, और ये क्या आएगा माइनस का लैम्बडा इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ से क्या आया माइनस लैम्बडा इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कट हुआ तो बच्चे यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में ये बेसिक था। ठीक है भाई, और लैम्बडा जो अपना स्केलर था उसकी वैल्यू फाइव आ चुकी है। आई थिंक प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय बच्चों।